मैं 15-16 साल की उम्र से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, मेरे पिता भी रहे, मेरे दादाजी भी रहे, तो इस तरह का माहौल तो हमने कभी नहीं देखा। जिसके स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के पास पड़े हैं, वो कैंडिडेट ये कहता है कि भी हम चोर हैं। बाबरिया जी के पास एक एक स्टिंग ऑपरेशन है, एक एक किस किस बिरादरियों को उसने गंदा बोला है, वो सब है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। अरविंदर सिंह लवली ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, आपने खुल के बताया कि किस तरीके से नाराजगी है कांग्रेस के जो प्रभारी है उनको लेकर। देखिए, कांग्रेस का जो प्रभारी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज कैंडिडेट्स की देते हैं। ये कौन सा तरीका है? इस तरह से तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 15-16 साल की उम्र से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ, मेरे पिता भी रहे, मेरे दादाजी भी रहे, तो इस तरह का माहौल तो हमने कभी नहीं देखा। कैंडिडेट हम लोगों को यह कहे कि हम चोर हैं, जिसके स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के पास पड़े हैं, वो कैंडिडेट ये कहता है कि भी हम चोर हैं। हम लोग जिस टाइम जन्म भी नहीं लिया था हम लोगों ने, उस समय से पिताजी हमारे एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मेरे बच्चे भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो जब ऐसा कैंडिडेट आप देंगे तो आप समझ सकते हैं क्या माहौल दिल्ली का होगा। ये तो अभी कुछ नहीं, अभी आगे आप देखिए क्या क्या होता है। स्टिंग ऑपरेशंस की जिन वीडियोस की आप बात करें, क्या आपने उनको आला कमान तक पहुंचाया कि किस तरीके से है? मिस्टर प्रभारी, बाबरिया जी के पास एक एक स्टिंग ऑपरेशन है, एक एक किस किस बिरादरियों को उसने गंदा बोला है, वो सब है। कहां पर जनरल कैटेगरी को एससी एसटी के केस दर्ज कराए गए और फिर उनसे पैसा मांगा गया, ये सब हमारे पास फोन के अंदर है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। अब इस तरह से सुनेंगे कि अब मैंने रिजाइन किया, अब लवली जी ने रिजाइन कर दिया, अभी और साथी हमारे रिजाइन करेंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको प्रभारी हैं आप, कम से कम सबकी सुने और ऊपर जाके बताएं। अरे कैंडिडेट ऐसा तो दो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। आज ऐसा कैंडिडेट हम लोगों को दे रखा है कि उसके साथ हमारे कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है। तो ये माहौल अगर क्रिएट किया गया तो ये आदरणीय दीपक बावरिया जी का है, और मैं तो आपके माध्यम से उनसे रिजाइन भी मांगता हूँ। खड़गे जी से अपील करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से तुरंत तुरंत रिजाइन लेके उसको हटा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए राजकुमार चौहान, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे इस्तीफे के पीछे अगर कोई बड़ी वजह है तो वो दीपक बावरिया है, जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी है। उनको तत्काल इस्तीफा जो है उनसे लेना चाहिए, कांग्रेस आला कमान को। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।